किसान विरोधी कानून लाने के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस ने आज वर्चुअल एक मीटिंग की है और यहाँ पर पूरे शहर में ही पूरे देश में मीटिंग हो रही है और मैं हूँ आज यहाँ पर वजीराबाद रोड पे। मेरे साथ है AR जोशी जी। सर, आज की मीटिंग का क्या वो है, एजेंडा क्या है और ये क्यों की जा रही है? देखिए, आज की मीटिंग का एजेंडा केवल ये है कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मजदूर और किसान विरोधी जो 3 बिल लेकर आई जबरदस्ती, वो भी विदाउट वो किसी बिना चर्चा के पार्लियामेंट में ये थोपे गए कानून, ये देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और अगर कृषि को भी निजीकरण आप कर दोगे तो क्या बचता है? क्योंकि मोर देन 85% से ज़्यादा लोग यहाँ मजदूर, खेतीहर मजदूर, और ये सब लोग यहाँ रहते हैं और उसी पर कृषि पर उनका जीवन निर्भर है। पर सर, यहाँ पर तो ये कहा गया है कि जो किसान जो हैं वो अपना सामान खुद बेच सकते हैं, बीच में जितने भी दलाल थे उन लोगों को हटा दिया गया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा दलाल बीच में खड़ा कर दिया गया, वो निजीकरण के रूप में खड़ा कर दिया गया। और ये जो मंडी ख़त्म की गई, जहाँ किसान माल्या कोई कस्बा है या कोई एरिया है जो 10 से 20 किलोमीटर के अंदर रहता है, तो किसान वहाँ मंडी में अपना अनाज बेचता है करके, वहाँ भी एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं। और इस मंडी को अगर आपने ख़त्म कर दिया, और मंडी को ख़त्म करने के बाद जो गवर्नमेंट की जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, जब उसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलेगा तो वो उसकी मर्जी पर होगी, जिसको वो ठेकेदारी जो इन्होंने शुरू की है फसल की, वो ठेकेदार वो किस उस पर खरीदे और उसको ले करके फसल को और अपने सिस्टम से वो बेचेगा होल्डिंग करने के बाद जी। तो एक निजीकरण हुआ और वो जो छोटे, देखिए आज पूरे भारत में क्या है, आप पॉपुलेशन का ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, मैक्सिमम लोगों पर 10 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ तक ज़मीन है जी। और जब इतनी छोटे जो ये जोत हैं तो इसमें कितना पैदा होता है। एक इसमें कहा गया कि किसान पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, जो किसान के पास गाड़ी भी नहीं, एक छोटा सा टेम्पू भी नहीं अपनी फसल को ले जाने के मंडी में, वो पूरे देश में कहाँ जाएगा? तो ये तो एक अतिशयोक्ति है और ये खमखा गुमराह करने वाली बात है। आपको लगता है कि वर्तमान गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी? देखिए, ऐसा है, यहाँ बहुत सालों से बहुत सी दूसरे राज्य, वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया और 150 साल से भी ज़्यादा राज किया, ये देश का खून, ये देश में DNA ऐसा है, जब ये उनको भगा सकते हैं सत्याग्रह के थ्रू, तो इनको सर्टेनली सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब ये सब लोग किसान और मजदूर एक प्लेटफार्म पर आकर के आवाज़ उठाएंगे, अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे, तो सर्टेनली इनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ये देश से ऊँचे नहीं है, देश ने इनको बनाया है, देश के आम जनता ने इनको बनाया है, और जब आम जनता का भूखा मरने का सिस्टम आ जाएगा तो इनको विवश होना पड़ेगा उस कानून को लेने के लिए जी। आप ये कह रहे हैं कि देश का कानून है और देश ने ही बनाया है और देश के लोगों से ही ये चीज़ें चलती हैं, पर वर्तमान गवर्नमेंट जो है वो किसी की नहीं सुन रही है, अपना जो बिल लाती है उसे पास कर लेती है और कोई भी, आपने जितने भी धरना प्रदर्शन किए, जितने भी मांगे दिए, जितने भी आपने ज्ञापन दिए, कोई भी ज्ञापन पे कोई भी काम नहीं किया गया और कोई भी, आप लोगों के ही द्वारा ये बात आ रही है सामने कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और कोई भी ज्ञापन को पास नहीं कर रहे हैं, यानी आंदोलन आप कितने भी कर लीजिए, जो उनका मन करेगा वो वही करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये आंदोलन जब अनवर्थ होंगे, देश के चारों कोने से शुरू होंगे, तो इनको उनके सामने झुकना पड़ेगा। जनता बहुत बड़ी सरकार होती है, जनता ही सरकार बनाती है, और जब जनता के ये आ जाएगा समझ में कि हो क्या रहा, तो जनता के सामने सबको झुकना पड़ता है। ये TV मीडिया जो आज बिल्कुल खरीद हुआ सिस्टम चल रहा है, ये कब तक चलेगा? सर, मीडिया तो खरीदा हुआ है, चलो मैं मानता हूँ कि स्टीम मीडिया जो है वो अंबानी जी ने खरीदा हुआ है, मोदी जी ने खरीदा हुआ है, क्या पब्लिक को भी खरीदा हुआ है? पब्लिक रोड पे क्यों नहीं आ जाती है एक साथ, और सारी राजनीतिक पार्टी एक साथ बाहर क्यों नहीं आती है? देखिए, अभी महामारी चल रही है और उस महामारी के चलते हुए बहुत सी चीज़ें वो रखनी पड़ती हैं, महामारी में लोग थोड़ा सा अपने को सेफ भी रख रहे हैं और इस वजह से रोडों पर नहीं आ रहे। ये महामारी जिस दिन ख़त्म होगी और ये डिक्लेयर हो जाएगा कि देर इज़ नो मोर महामारी इन दिस कंट्री, तो लोगों को देखना, आप अपने हक की लड़ाई के लिए रोडों पर भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे जी।
सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर इस क्षेत्र में हैं, क्या लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों की इन मांगों को मान पाएगा? देखो, ऐसा है, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा जी। जब पब्लिक में जब जोश आएगा, जब पब्लिक ऐसी एकता में आएगी, पब्लिक का शोषण होएगा, पब्लिक इकट्ठी होगी, तो कोई भी सरकार हो उसको मानना पड़ेगा। और लॉकडाउन अभी मार्च से शुरू हुआ था, पर अभी भी लॉकडाउन चालू है, यानी कि महामारी चालू है, पर मार्च से पहले से ही बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, किसी पे भी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, मनमानी कब तक चलेगी? देखो, ऐसा है, मनमानी इनकी जो तानाशाही है, हिटलर शाही है, वे ज़रूर चल रही है, बाकी वो हमेशा नहीं रहेगी जी। ऐसा नहीं है हमेशा इन्हीं की चलती रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये पब्लिक है जी। इस पब्लिक का दिल दिखाओगे तो एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि पब्लिक ने, जिसने इनको बैठाया है, जिसने इनको राज दिया है, वही गद्दी से उतार के फेंक दे। बिल्कुल, गद्दी से उतार के फेंकेगा, पर गद्दी से उतरेंगे कब? क्योंकि उनके तो पास पूरी पावर है और उस पावर को पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो गद्दी से आप लोग उसे कैसे हटाएंगे? आप लोगों को तो उन्होंने हटा दिया, पर आप उन्हें कैसे हटाएंगे? मिलन जी, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी, चाहे महिलाओं की आवाज़ हो, चाहे किसानों की आवाज़ हो, और चाहे युवाओं की, पूरे देश की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, बंद केस आया था उसी समय से, इस मोदी को चिताया था, देश के लोगों को चिताया था, मीडिया के लोगों को भी चिताया था कि ये लोग बहुत बड़ी महामारी बनने वाली है, लेकिन ये खिल्ली उड़ाने वाले मोदी जी, ये राहुल गांधी जी हैं, देश के उस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिस देश में गंगा और जमुना की तहजीब है और लोगों के समावेश है, इसमें किसान, मजदूर, दलित, हरवाई सबकी, इसके लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। इसलिए मिलन जी, ये इतनी जन सैलाब के साथ जनता आगे उमड़ेगी, आगे जनता आएगी। आज तो जो छोटा प्रोग्राम था, कम केवल अध्यक्ष हमने बुलाए थे और सम्मानित नेता थे केवल एक जिले के, अगर जब हम पूरे प्रदेश का करेंगे, आपको पता मोदी जी को जगह जगह फोर्स लगाना पड़ता है और हमको डाइवर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, डाइवर्ट करना पड़ता है, पर फोर्स भी लगानी पड़ती है, पर इतने आदमी नहीं है कि वो फोर्स लगाएं, उनका काम तो ईजिली हो रहा है और आपका काम हो नहीं रहा, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बार बार आप, मतलब ये सवाल आ रहे हैं कि वो सुनेंगे नहीं, तो एक इतना बड़ा सैलाब देश के जब कोने कोने से एक आवाज़ उठेगी और वो आवाज़ यही होगी कि मोदी भगाओ, देश बचाओ, तो मोदी जी की ये तानाशाही ख़त्म हो जाएगी और हम जितने भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जितना देश जानता है, जिस तरह से कि आज जो देश जिस मुकाम पर है, जितना विकास देश ने इन 60-65-70 सालों में किया, तो जनता का जो आवाम, जब आवाम की आवाज़ जब देश के कोने कोने से, खेत खलिहान से, किसान मजदूर से लेकर के जब आएगी, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार तो क्या, अच्छी अच्छी तानाशाह सरकारों को भी झुकना पड़ेगा, और एक झुकना पड़ेगा सर, झुकना तो पड़ेगा। और सर अभी ये भी कह रहे थे कि मोदी भगाओ और देश बचाओ, मोदी आप सबको भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं पर वो भागने को तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि सच और झूठ की लड़ाई है, झूठ मोदी जी कब तक बोलेंगे, सच तो लोगों को जानना ही पड़ेगा और जानना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ गया कि पब्लिक अब सहने की आदत छोड़ चुकी है, कहीं ना कहीं वोटर जब वोट डालेगा ये सब कुछ हमारे, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी चैनलों से, जो मीडिया चैनल बड़े बड़े हैं, कि कहीं जनता का आपसे विश्वास ना उठ जाए, आप सच दिखाना शुरू करें, ना हमारी पक्ष की बात करें ना सरकार के पक्ष की। क्या लगता है सर कि जनता खुद अपने आप को ही पागल नहीं बना रही है, क्योंकि कोई भी मुद्दा वो ले आते हैं, नोटबंदी ले आते हैं, GST ले आते हैं, फिर राम मंदिर ले आए, अब राम मंदिर पे वो लोगों को बरगलाएंगे और आप जितनी भी पार्टियां हैं आप सबकी, उन सबको वो धराशायी कर देंगे? देखिए, ऐसा है, इन्होंने बैठते ही नोटबंदी की, फिर GST लाए, फिर काले धन की बात करते तो वो नहीं हुआ, फिर यहाँ सीलिंग होगी, छोटे उद्योग करते थे वो ख़त्म हो गए, सबकी नज़रों में सब चीज़ हैं। जब आदमी भूखा मरता है, उसकी पेट की जो ज्वाला ज्वलित होगी, तो उसमें इस गवर्नमेंट को तो क्या, पहाड़ के पहाड़ भस्म हो जाते हैं जी। तो ये दिन दूर नहीं है, अब बहुत हुआ,
लोग इसको ज़्यादा जो है टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। जोशी जी, मैंने एक बहुत महापुरुषों की बातें सुनी है, मैंने उनको पढ़ा भी है। एक कहावत ये भी थी कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। भूखे को अगर रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, टाइम पे मिल जाए तो। आप लोगों के साथ इतना प्रताड़ना हो रही है, पूरे देश के साथ हो रही है, तो ये प्रताड़ना जब ख़त्म होगी, जब आधे से ज़्यादा भारत मर मिटेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मजदूरों की बात आपने कही, अभी आपने देखा होगा 2 से 3 महीने पहले मजदूरों की हालत पूरे भारतवर्ष में क्या थी। लोग 1500-1500 किलोमीटर चल के, 1000-1000 किलोमीटर पैदल चल के अपने गंतव्य तक पहुँचे, अपने घर तक पहुँचे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? और जब वो ऑलमोस्ट सब जा चुके, जब कह रहे हैं हम रेल चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, अब वो किसके लिए चला रहे थे? तो जहाँ तक मजदूर की बात है, मजदूर और गरीब, इसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती। मजदूर मजदूर है, गरीब वो कोई भी हो सकता है, उसकी आवश्यकताएं बराबर होती हैं, उसकी सोच बराबर होती है, उसकी ज़रूरतें बराबर होती हैं। तो इसलिए वो मजदूर देख रहा है, वो मौके की तलाश में है, और जब अवसर मिलेगा तो इस बार वो छोड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, अवसर मिलेगा तो छोड़ने वाला नहीं है। और मजदूर ही नहीं, हर वर्ग का आदमी आज इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब देखना ये है कि ये गवर्नमेंट कब जाएगी।